मेरे भाई, आज तक मैंने आपसे बातें तो बहुत करी हैं, पर आज मैं सोच रहा हूँ कि आपसे जो आज मैं बातें करूँ वो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट को लेकर करूँ, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आज के यूथ में खुद को लेकर बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारी उसे ऐसा लगता है कि मैं ये कर पाऊँगा और नहीं कर पाऊँगा, उसे मतलब अपने आप में कमियाँ दिखाई देती हैं। तो मेरा ये कहना है भाई, आप में कमियाँ हजार हैं और खूबी ये मान के चलो कि एक भी नहीं है। अगर आप उन कमियों से लड़ोगे ना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेफिनेटली आप में कोई ना कोई नई खूबी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। और अगर आप ये सोचो कि नहीं, मेरे में कोई खूबी नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो वाकई में आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप में कोई खूबी नहीं है, आपको ये लग रहा है कुछ नहीं कर सकता, वही वक्त होता है मेरे भाई कुछ करने का। अगर आप कुछ करोगे तो हो सकता है नेगेटिव रिजल्ट भी निकल सकते हैं, और हो सकता है आपको उस काम को लेकर पॉजिटिव रिजल्ट भी निकल सकते हैं। लेकिन आपके अंदर कोई भी नई चीज़ तभी ऐड होगी जब आप किसी काम को करने की कोशिश करोगे। और ये बात की बात है कि आप उसमें सफलता मिलती है या सफलता मिलती है, इस चीज़ से आपकी सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है, और दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात ये है मेरे भाई कि दूसरों को देखना बंद करो, क्योंकि मैं ये बात बहुत अच्छे तरह जानता हूँ कि जैसा वो कर रहे हैं आपको ये लगता है कि आप वैसा नहीं कर सकते। हाँ, ये भी कोई गलत नहीं है, ये भी कोई मतलब डाउटेबल बात नहीं है कि आप वैसा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप उनके जैसा करने की कोशिश तो कर सकते हो, क्योंकि वो भी जब इस दुनिया में आए थे वो भी सब चीज़ों को सीख कर नहीं आए थे, और उन्होंने भी पहले आप ही की तरह कोशिश करी और धीरे धीरे वो उस काम में माहिर होते गए। तो इसीलिए आप में परफेक्शन या किसी भी चीज़ को लेकर मतलब पॉइंट ऐड तब होंगे जब आप कुछ करने की कोशिश करोगे। एग्जांपल उसका कुछ भी हो, किसी भी एग्जांपल को आप ले सकते हो, लेकिन आप में पॉइंट ऐड तभी होंगे जब आप किसी काम को करोगे। हो सकता है वो आप उस काम को सही करो या गलत करो, लेकिन एक टाइम बाद आप उस काम को सही करने लग जाओ। और अपने पे डाउटेबल मत लो, अरे यार वो अच्छा कर रहा है, मैं इतना अच्छा नहीं कर पाऊँगा। अरे अच्छे बुरे से कोई मतलब ही नहीं होता, बस ये होता है कि आप करने की कोशिश कर रहे हो, और जब आप करने की कोशिश कर रहे हो तो धीरे 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 सब चीज़ें सही होती जाती हैं। और अगर आप करने की कोशिश ही नहीं करोगे तो इसका कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। क्योंकि मैंने ये अक्सर देखा है, सामने वाले के आगे खड़े होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अरे यार ये बंदा ऐसा है या वो बंदा फलाना बंदा ऐसा है, वो हमसे ज़्यादा जानता है। बट अब जब मुझे ये चीज़ बाद में पता लगती है, अरे ये बंदा तो उस चीज़ का था ही नहीं, इस बारे में तो उसे कुछ पता ही नहीं था, लेकिन उस बंदे ने मेरे सामने इस तरह रिएक्ट करा कि मुझे लगा कि यार वाकई में वो बंदा तो बहुत कुछ इस सब चीज़ों के बारे में जानता है। एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी काम हो सकता है, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, तो उसका ये कॉन्फिडेंस लेवल था कि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इस काम को मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो आप भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा ही रखिए, भले आप उस काम को जानते ना हो, वो काम आपको समझ ना आता, लेकिन सामने वाले की आँखों में आँखें डाल के इस तरह बोली कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ये मत बोली कि सिर्फ मैं आपसे उस सबसे बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ, इस चीज़ का आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने में खुद में डाउटेबल ढूंढोगे कि मैं ये वो, तो मेरे भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए खुद को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए अपना कॉन्फिडेंस लेवल को भी इम्प्रूव करिए कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ, भले रिजल्ट कुछ भी हो। रिजल्ट एक्स वाई जेड अपने को, अगर आप ये सोच के चलोगे कि ना कि अपने को इस रिजल्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, बस अपने को तो करना है, रिजल्ट सही हो ख़राब हो वो बात की बात है। जैसे हम इस स्कूल में पढ़ते हैं और एक साल तक हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम पेपर देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो हमें रिजल्ट का नहीं पता होता। इसी तरह आप किसी भी काम को लेकर करिए, कोई भी काम आप जो करना चाह रहे हो, आप बस अपना बेस्ट दीजिए, रिजल्ट के बारे में चिंता मत कीजिए। अरे फेल हुआ तो कोई बात नहीं, पास हुआ तो भी कोई बात नहीं, पास हुआ तो और अच्छे की कोशिश करेंगे, फेल हुआ तो फिर से कोशिश करेंगे। इसलिए रिजल्ट की कोई अपने दिमाग में कीड़ा मत पालिए, तभी आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे।